तो यहाँ देखें, ये देखिए फ्रेंड्स, शाम हो गई और हम लोग थोड़ा छत पे आए हैं। मैं आई थी, बच्चे आए थे, तो वो लोग भाग गए हैं नीचे, थोड़ा सा कुछ उन लोग। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आप लोग से, मैं सोची ना चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ शाम के समय से। और आज जो है ना, तो मेरा फर्स्ट है आज, प्रदोष है। जिसको जिसको पता होगा उसको तो पता ही होगा, जिसको नहीं है तो मैं बता दूँ कि एकादशी के बाद जो पड़ता है ना, दूसरे दिन कोई बार तीसरे दिन पड़ता है, तो प्रदोष उस ऐसे होता है और शिव जी का पूजा करते हैं। तो मैं सोची चलो थोड़ा छत पे चलूंगी। और क्या है ना फ्रेंड्स, कि आज का थोड़ा सा ना मौसम तो है ना थोड़ा अच्छा अच्छा है, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं है, दो दिन से ऐसा है, थोड़ा सा मौसम डाउन हुआ है। और बाकी तो भैया इस बार की गर्मी तो इंसान के, ये देखिए बच्चे मेरे ना यहाँ थे, गाड़ी की अपनी बुक से ही पे रखी गई है, पता नहीं क्या लेने वो लोग गए हैं। और अब चल रही हूँ मैं, बोली थोड़ा छत पे, थोड़ा काम वाम नहीं था ना, मैं बोली झाड़ू वड़ू लग गया है, और उसके बाद में अब चलूंगी छत, पूजा करूंगी। व्रत है तो पूजा तो करना, पूजा वैसे भी हम मैं करती हूँ फ्रेंड्स, सुबह शाम दोनों टाइम, तो दियावती करना है शाम के समय का। और मैं आज आप लोग के साथ फ्रेंड्स ना अपना स्क्रब वाला फेस वॉश का रिव्यू आप लोग के साथ करूंगी। और ये भी कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपने दिल से, अपने मन से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई आजकल जो होता है ना फेस पे, सभी के कुछ न कुछ प्रॉब्लम, तो कुछ न कुछ मतलब फेस प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है, क्योंकि भैया आजकल क्लाइमेट इतना गंदा हो रखा है ना, तो फेस किसी का भी ना, आप फेस देखोगे ना तो कोई न कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम, किसी को डार्क स्पैचेस बन गए हैं, पिगमेंटेशन है, पिंपल्स है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, मतलब तरह तरह की भाई एक फेस में कितनी सारी समस्याएं होती है। तो फाइनली मैं आज बात करूंगी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए, स्क्रब फेस वॉश के लिए, तो जो कि ना बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है। और एक से मतलब एक हफ्ते में आप दो, एक से दो बार करते हो ना, तो आपकी जो व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम रहती है और जो ब्लैक स्किन रहती है ना, डेड स्किन, वो सब रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रब हमारे फेस पे कभी ना कभी हमको करना ही चाहिए। अगर हम डेली डेली नहीं, मतलब डेली तो नहीं होता है, लेकिन हाँ हफ्ते में एक बार, महीने में दो तीन बार अगर कर लेंगे ना, तो जो भी हमारी डेड स्किन रहती है ना वो निकल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को भी करूंगी स्टार्ट और आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से ये फेस वॉश, कौन सा फेस वॉश है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स ना, मैं कोई भी किसी भी तरीके का ना गलत चीज आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगी। अब लोग बोलते हैं ना कि अपने फायदे के लिए आपको गुमराह नहीं करना है, क्योंकि भैया फेस ऐसी चीज होती है ना कि अगर गलत चीज इस्तेमाल कर लिया जाए तो गलत असर देती है। तो इसीलिए मैं बहुत, मतलब एक महीने पहले से मैंने खरीद लिया था फ्रेंड्स, लेकिन मैं ना दो तीन बार लगाई तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि जो नोज एरिया में जो ब्लैक हेड्स वगैरह रहते हैं ना, तो वो रिमूव हो जाते हैं इजिली, क्योंकि इतना किसी के पास वक्त नहीं है कि लोग होम रेमेडी बनाएं और फिर अप्लाई करें ब्लैक हेड्स के लिए। ऐसा नहीं कि होम रेमेडी वर्क नहीं करती, वर्क करती है फ्रेंड्स, उसमें समय ज्यादा लगता है। तो झटपट में बेस्ट फेस वॉश मैं आप लोग के लिए आया, तो चलिए वीडियो को करती हूँ स्टार्ट और दिखाती हूँ आप लोगों के लिए वो कौन सा फेस वॉश है, और यूज करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं बायोटिक डीप एडवांस आयुर्वेदिक पपाया डीप क्लींसिंग फेस वॉश। ये ऑल स्किन टाइप है एंड ये 100% आयुर्वेदिक है, और इसमें किसी भी प्रकार का हार्मफुल जो है ना इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सब सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। लीफ लेयर है, टर्मरिक है एंड वेलनट सीड्स पाउडर है, पपाया है, तो बहुत ही अच्छा है। इसका टेक्सचर देख लीजिए, इस तरीके का है, एकदम जेल फॉर्म में आता है और थोड़ा सा ना दरदरा टाइप का रहता है और बहुत ही ज्यादा रहता है। थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लगेगी, क्योंकि स्क्रबिंग करना है। आप चाहें तो दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो हफ्ते में एक से दो बार इस्तेमाल कर, जब जैसा भी आपको लगे, लेकिन हाँ अपने फेस पे स्क्रबिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हम धूप में निकलते हैं, हमारे फेस पे बहुत सारे जो है ना धूल धूप प्रदूषण वगैरह डस्ट वगैरह जमा हो जाती है, जिससे हमारी स्किन ना शाइनिंग नहीं रहती, बहुत ज़्यादा डल पड़ जाती है। तो इन सब चीज़ों की समस्या को दूर करने के लिए स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैं डेली नहीं करती हूँ, मैं हफ्ते में एक से दो बार कर लेती हूँ, तो ये मुझे ना बेस्ट स्क्रब फेस वॉश लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो हमारे नोज़ एरिया में बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए हमको नोज़ एरिया को ज़्यादा रफ करना है और पूरे ऑल ओवर इस फेस पे अच्छे से मसाज करके 5 मिनट, उसके बाद में नॉर्मली जो है ना ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों के लिए ना जो सेफ एंड
अच्छा रहता है वही मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। कोई भी प्रोडक्ट पहले मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। और ये भी किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं है फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और आए दिन सबके फेस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो हर प्रॉब्लम की समस्या ये एक फेस वॉश सॉल्व करेगा। तो देखिए मैंने आप लोगों के साथ दिखाया कि मैंने अच्छे से मसाज किया और आप लोग के साथ फेस वॉश करके मैं दिखाई। तो ये रूटीन मैं नाइट में कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि चलो नाइट का ही रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप डे नाइट कभी भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक और फैमिली फ्रेंड्स का शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।